हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ सुजाता जूसर मिक्सर ग्राइंडर। ये आता है हैवी ड्यूटी मोटर के साथ 900 वॉट का। आप सोच रहे होंगे मैंने सुजाता ही क्यों सोचा। बहुत सारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर खरीदे, वो बहुत जल्दी ख़राब होते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जूस वालों के पास जाके, जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जाके देखा जूसर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अलग अलग जूस वालों के गई और हैरानी की बात है, मैं इतने जूस वालों के पास गई, सब पर ही सुजाता का था। आप मान लीजिए जो लोग सुबह से लेकर रात तक जूस निकालते हैं, उनके पास ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर ही था सुजाता का। तो मैंने सोचा मुझे भी यही अपने घर के लिए ले लेना चाहिए। मैंने पहले से ही चेक कराने के लिए खुलवा लिया था, तो अब मैं आपके सामने ये खोल रही हूँ। ये देखिए, ये अंदर खोलकर एक ये ऑपरेटिंग मैनुअल है। इसमें अंदर जाएंगे आप तो आपको अलग अलग चीज़ मिलेगी, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स, मतलब आपको अलग अलग पार्ट्स कैसे पहचानने हैं, यूजिंग जूसर, जूसर कैसे इस्तेमाल कर रहा है, यूजिंग अ जूसर, क्लीनिंग द जूसर, जूसर को क्लीन कैसे करना है, यूजिंग द ब्लेंडर, ब्लेंडर कैसे यूज़ करना है, उसको उसकी मोटर कैसे क्लीन करनी है। और मेरा सजेशन ये है कि आप पहले ये अच्छे से पढ़ लें, तभी अपनी मिक्सी यूज़ करें। हम बहुत से खतरों से और बहुत सी डैमेजेस से बच जाते हैं। मैं हमेशा कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ तो सबसे पहले ये अपना मैनुअल ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि कई इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें जानने के बाद भी नहीं पता होते, तो हमें हमेशा पढ़ लेना चाहिए। ये हमारे जूसर का एक पार्ट है। चलो अब हम शुरू करते हैं। ये अब मैंने ये हटा लिया है, अंदर ये मेरा जूसर मिक्सर ग्राइंडर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैक्ड है। अब मैं इसके एक एक करके पार्ट्स निकालती हूँ। ये अब ये मेरा ग्राइंडर है। अब ग्राइंडर को मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, इसकी मटेरियल बहुत अच्छी है, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक बेस भी बहुत अच्छी है। आप ये देखिए, ये थ्री पार्ट्स में होता है, ये इसका ये कवर और ये। जब हम यूज़ करेंगे तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्लीनिंग के लिए ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं हमारा क्या क्या यूज़ में आता है। ये आप इस सेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ यूसेज ऑफ ग्राइंडर जार दिखेगा। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग, अपना चटनी वगैरह सब इसमें बना सकते हैं, तो ये इसलिए हमारे काम में आता है। नेक्स्ट जार जो हमारे पास है वो है ब्लेंडर। अब ये देखिए, इसकी ये काफ़ी बड़ा है, हमारे मिक्सर जो मिल्क शेक्स, लस्सी वगैरह इसमें बहुत अच्छे होंगे। और सारी इसमें मेजरमेंट्स आपको देख सकते हैं आप, ये सारी मेजरमेंट्स है, हमने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इस पर अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, और ये बहुत अच्छा है, इसका भी सेम है, थ्री पार्ट्स में, आप आराम से कीजिए। और कोई भी जूसर मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल करने में एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर तक ओवरफिलिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये क्या प्रेशर से ऊपर उठकर ढक्कन खुल जाते हैं। अब हम मेन बॉडी पार्ट पे जाते हैं अपने जूसर मिक्सर ग्राइंडर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका जूसर निकाल लिया है। जूसर के साथ मुझे ये अटैचमेंट मिली है, खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। ये जिसे हम फ्रूट्स डालकर एक्सट्रैक्शन के काम में आएगा फ्रूट्स को, और एक ये टूथब्रश जिससे हम अपना जार को क्लीन करेंगे। पार्ट है जो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका स्पेयर पार्ट है, अगर घिस जाए तो आप ये चेंज करा सकते हैं। दोस्तों, जूसर मिक्सर ग्राइंडर सुजाता में एक ख़ास बात है, इसके पार्ट्स आराम से किसी भी शॉप पे अवेलेबल होते हैं,
अगर कोई भी चीज़ टूट जाए, ख़राब हो जाए, या तो नए पार्ट्स आराम से आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे, या इसकी रिपेयरिंग भी आराम से कोई भी करके दे सकता है। अब आप ये देखिए, ऑन ऑफ बटन है, लो, मीडियम, हाई, तीन इसमें स्पीड है, और ये विप करने के लिए, अगर आपको कोई क्रीम वगैरह बनानी है तो आप इससे विप कर सकते हैं। अब इसकी अटैचमेंट और देख लेते हैं, हम ये कैसे करेगा। इसको हम इजीली इससे ऐसे खोल देते हैं, ये आ गया, इसको हमने अलग कर लिया। ये आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारा इसमें मिक्सर हो गया। ये इसकी जाली है, आप ये देख सकते हैं, ये कितना अच्छा है। इसको हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारा जो एक्सट्रैक्शन के बाद वेस्ट निकलता है उसके लिए है, और इसको हम वापस लगा देते हैं। इसकी असेंबलिंग और क्लीनिंग बहुत इजी है। मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट से देख समझ के लिया है, ताकि मुझे कभी भी कोई भी परेशानी ना आए और मैं ये आराम से यूज़ कर सकूं। अब ये देखिए, इसको हम वापस फ्रूट्स डाल के, इसको हम नीचे एक लॉक है उसे करके, बहुत आसान है ये करना, बहुत आराम से काम हो जाएगा, और इसकी क्लीनिंग भी बहुत अच्छी। मैंने ख़रीदते हुए एक एक चीज़ देख समझ के ली थी। ये देखिए, ये इसकी वायर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है। ये देखिए, जूस हमारा इससे आएगा। पहले हम इसको, ये सारे पार्ट्स हमारे अलग हो जाते हैं। अब मेरे को इस तरह से मैं ये अपना इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर आपको कुछ समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना